हे गाइज, वेलकम बैक टू टुडे एडिटिंग जोन। सो गाइज, अभी के टाइम पर एआई से इनहेंस किया हुआ फोटो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। गाइज देख सकते हो आप लाइव स्क्रीन पे, एकदम से एआई के थ्रू इनहेंस किया हुआ है फोटो गाइज, और ये 4K 8K में है सॉरी, और ये देख सकते हो गाइज 32K में आपको कन्वर्ट किया गया है। और देख सकते हो गाइज फेस हमारा चेंज हो गया है, तो फेस हम रिस्टोर करेंगे, वो भी कैसे करेंगे सब कुछ बताऊंगा फुल डिटेल में, ठीक है। फेस को कैसे वापस लाया जाएगा यदि आपका फेस बदल जाता होगा तो, ठीक है। इनहेंस करते टाइम आपका फेस चेंज हो जाता होगा तो उसको हम रिस्टोर करना बताएंगे। तो वीडियो को फटाक से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइज, जैसा कि हम आगे अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे, सो वीडियो को फुल स्क्रीन करके ही देखिएगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना होगा, एआई से फोटो इनहेंस करने के लिए हमें गूगल पे जाना होगा या क्रोम पे भी आप जा सकते हो, और यहाँ पे गाइज केरिया एआई आपको सर्च करना होगा, ठीक है। केरिया एआई आपको सर्च करना होगा ये वाला, और ये वाला वर्ड सर्च करने के बाद आपको नीचे में एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, keriaai.com का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गाइज ओरिजिनल वेबसाइट मिल गया है, उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। केरिया पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे गाइज आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है गाइज। ओपन कीजिएगा लिंक के, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फर्स्ट में आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना होगा। देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा एम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले से ही साइन इन कर रखा है, ठीक है गाइज, और इनहेंस भी कर रखा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना होगा, इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा तो आपको यहाँ पे अपेकल आपको यहाँ पे इनहेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन देगा, देख सकते होगा यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। और नीचे में देख सकते होगा मैंने फोटो इनहेंस किया है लाइव प्रूफ के साथ, आप देख सकते होगा एक ही फोटो को मैंने एक बार किया है, तो यहाँ पे देख सकते होगा फोटो, इसी फोटो को गाइज हम फिर से स्ट्राइक करने वाले हैं, ठीक है, आपको बताने के लिए, ठीक है, डेमो के लिए। तो यहाँ से हम एक बार बैक जाएंगे, ठीक है। बैक जाने के बाद गाइज क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, उस पर आपको क्लिक करना होगा, और अपने फाइल से गैलरी से गाइज एकदम नॉर्मल फोटो को आपको यहाँ से अपलोड करना होगा, एकदम से नॉर्मल 144p कहते हैं गाइज, उसको आपको ऐड कर देना होगा, यानी कि अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को स्क्रॉल करना होगा, अभी इनहेंस पे क्लिक नहीं करना होगा गाइज, ध्यान रखिएगा इनहेंस का ऑप्शन दे रहा है लेकिन अभी इनहेंस पे क्लिक नहीं करना होगा। इस वाले पार्ट को स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है, इधर वाले पार्ट को, और नीचे में आपको आइएगा तो यहाँ पे आपको एक 16x का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड 16x पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट इनहेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्ट इनहेंस पे क्लिक कर दीजिएगा, और इनहेंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते होगा यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, इनहेंसिंग लेगा, थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना होगा, ठीक है, 5 मिनट भी लग सकता है गाइस, ठीक है, जैसा आपका डाटा स्पीड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या करना होगा, वेट कर लेते हैं हम, और देख सकते हो गाइस हमारा यहाँ पे इनहेंस हो चुका है एक फोटो, तो उस पर क्लिक करते हैं। सो देख सकते हो गाइस जब हमारा फोटो 4K में हुआ है कन्वर्ट, ठीक है गाइस। सो इसको गाइस हम फिर से कन्वर्ट करेंगे 8K में, ठीक है। तो सिंपली आप देख सकते हो गाइस जूम करके इस फोटो को क्वालिटी कितना बेस्ट हो चुका है, और एक बार में हमारा गाइस फेस नहीं बदला है, थोड़ा बहुत बदला है, तो उसके लिए हम बाद में बताएंगे ट्रिक, ठीक है। तो पहले इस फोटो को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज इसको 8K या 32K में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर से इस वाले प्लस पे क्लिक करना होगा, और अभी जो हमने इनहेंस किया है फोटो को, इनहेंस कर किया फोटो को डाउनलोड किया है, उस फोटो को फिर से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मतलब गाइज फिर से आपको रिटर्न वही काम करना है, तो फिर से फोटो को अपलोड कर दीजिएगा, और फिर से यहाँ पे 16x पे आपको क्लिक कर देना होगा, और फिर से आपको इनहेंस पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो फिर से इनहेंस पे क्लिक कर दीजिएगा, ऐसा ही गाइज आपको 2-3 बार कर लीजिएगा तो आपका फोटो एकदम से हार्ड HD यानी कि गाइज 32K में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा इनहेंसिंग हो रहा है, ठीक है। सो गाइज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमारा फोटो इनहेंस हो चुका है गाइज। तो इसी टाइप से गाइज आप फिर से एक बार आप ट्राई कर सकते हो, और इसको ये नॉर्मल से फोटो को आप 32K में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो यहाँ से हम गाइज इस फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप अपने फेस को कैसे रिस्टोर कीजिएगा, ठीक है। फेस यदि आपका चेंज हो जाता है तो उसको आपको फिर से कैसे वापस लाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड अगेन पे क्लिक करेंगे और ये फिर से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं, बैक जाकर के गाइज आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बैक जाना होगा, बैक जाने के बाद गाइज आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, ठीक है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं हम, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ से आपको प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एडिट अ फोटो पे क्लिक कर देना होगा। एडिट अ फोटो पे क्लिक करने के बाद गाइज अपना फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो सबसे ज़्यादा HD में कन्वर्ट किए होंगे। तो देख सकते होगा ये हमारा सबसे ज़्यादा HD में कन्वर्ट किया हुआ फोटो है, और इसमें हमारा फेस बदल गया है, देख सकते होगा फेस की क्वालिटी कितना हार्ड है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, ऐड फोटो पे जाना होगा, और जो हमने फर्स्ट बार इनहेंस किया था फोटो को, उस फोटो को आपको यहाँ पे ऐड कर देना होगा, ठीक है गाइज। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको फुल स्क्रीन इस तरह से कर लीजिएगा, एंड ऊपर में एक इरेजर ब्रश दिखेगा, इरेजर ब्रश पे जाना होगा,
और नीचे में गाइस एक इन्वर्ट का ऑप्शन दिखेगा, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पे देख सकते हो इन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब गाइस फेस को जूम करना होगा और रिस्टोर वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। नीचे में रिस्टोर का ब्रश दिखेगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना होगा और हार्डनेस को फुल कर दीजिएगा। उसके बाद अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई करना है, यानी कि गाइस राउंड राउंड करना है तो आपका फेस एकदम से इरेज हो जाएगा, पहले के जैसा नॉर्मल दिखेगा, रियल फेस का जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस आप फेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। फेस यदि आपका चेंज हो गया है तो आप फिर से उसे रिस्टोर कर सकते हो, और कोई ट्रिक नहीं है गाइस, तो इतना ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से गाइस आपको कर देना होगा डन, डन करने के बाद फिर से कर दीजिएगा डन। सो देख सकते हो गाइस अभी हमारा फेस भी चेंज नहीं हुआ है, और देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में कितना फर्क हो चुका है। सो हम इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।